नेताजी बोले कि अच्छा दिन आएगा, ये अच्छा दिन है। बिहार के जितने इंजीनियर लोग हैं, जो काबिल इंजीनियर है, वो इस तरह के रोड बनाते हैं कि रोड नीचा रहता, नाली ऊपर रहते हैं। नमस्कार, मैं हूं सुमंत। अभी आप देख रहे हैं विमर्श न्यूज। अभी हम पटना के शास्त्री नगर में हैं। कहने के लिए पटना स्मार्ट सिटी बनने जा रहा है, पर आप यहां के हालात देख सकते हैं। यहां पे नाला होने के बावजूद पिछले 4 महीनों से नाले का पानी सड़क पे बह रहा है। यहां पे हमने कुछ लोगों से बात भी की तो उन लोगों ने बताया कि यहां पे लगभग 4-5 महीने से इस पानी को पार करके लोग आते जाते रहते हैं, लेकिन कोई इससे किसी को कुछ मतलब नहीं है। हम आपको बता दें कि कहने के लिए नीतीश सरकार में बिजली, सड़क और पानी, ये तीनों एकदम तंदुरुस्त है, लेकिन आप यहाँ की समस्या को देख सकते हैं कि पानी कैसे सड़क पे जमा है। आप देख सकते हैं कि यहाँ पे शायद सरकारी क्वार्टर भी है, सड़क के बगल में जो देख सकते हैं आप, ये एक सरकारी क्वार्टर है। पानी भरा हुआ 2 महीना से, देख लिया जाए, देखते हैं ना। हाँ, तब हम लोग कपार बच्चा सब फूट गया है, सबके दवाई करा के लाए। नेताजी जिसको आप लोग वोट देने गए थे, तो नेताजी से काहे नहीं बोलती हैं कि वोट लेने के लिए? नेताजी तो बोले कि नेताजी बोले कि अच्छा दिन आएगा, ये अच्छा दिन है, ये अच्छा दिन है, ये घूमे हेलते हैं हम लोग, नहीं ना हेलना चाहिए। तो नीतीश कुमार बोलते हैं कि अब पटना को भी स्मार्ट सिटी बना दिए हैं। कहाँ बनाया देखिए, ये स्मार्ट सिटी है। हाँ, स्मार्ट सिटी है ये, स्विमिंग पूल ना है जी। हाँ, नहाने का जरूरत ही नहीं, सुबह से हम जाते हैं, इसीलिए आज से देखिए कितना आप लोग आए हैं भाई। देखिए गरीब का तो देखबे नहीं करता है, गरीब मरे, बड़का बड़का है, छोटका छोटका है। बताइए कितने दिन से गली भरा हुआ है? 2 महीना से है। बताइए गली भरा हुआ है, ऐसे होना चाहिए? इतने दिन से गली फ्लैटियर लोग रहते हैं, तब पर भी कुछ नहीं बोलते। स्मार्ट सिटी है ये, स्मार्ट सिटी क्या है? स्मार्ट सिटी ये क्या है? स्मार्ट सिटी ये आप देखिए, देखिए ये स्मार्ट सिटी का नजारा है। आप सोच सकते होंगे कि यहाँ के लोग का रहन सहन कैसा होता होगा। लोग का मंदिर है, आप अपना पूजा करम होता है, बताइए, तब पर भी ये हाल है हम लोग का, ये गली का, बताइए। आपका नाम क्या हुआ सर? मेरा नाम हुआ राकेश। चलिए हम आप लोग की बात को आगे बढ़ाएंगे और उम्मीद करते हैं कि सरकार आपकी बात सुने और आपकी समस्या को समाधान करे। चलिए आइए हम कुछ और लोगों से बात करते हैं, हमारे साथ कुछ युवा लोग भी जुड़े हुए हैं। और भाई बताइए, आपका नाम क्या हुआ सर? ऋतिक राज हुआ सर। सर इस पर कुछ कहना चाहिएगा? कहना क्या है सर, ये इसे स्मार्ट सिटी किस हालत में लोग इसको स्मार्ट सिटी मानेंगे? नीतीश कुमार तो मानते हैं ना, नीतीश कुमार यहाँ आके देखे हैं कभी? उनके कर्मचारी सब गए आए बोले और उसके बाद चले गए, वोट लेते हैं चले जाते हैं, कोई कुछ नहीं कर पाते, दोबारा वापस नहीं आते, कभी भी नहीं। आप लोग यहाँ से मांग काहे नहीं करते हैं? कुछ चिट्ठी उठी पर लिख करके आप लोग चिट्ठी? हम लोग का अप्लाई नहीं होता, अप्लाई नहीं होता। शास्त्री नगर का PhD कैंपस आता है सामने, हमारा देवी माँ मनसा मंदिर इनको कहा जाता है, मंदिर के बगल में ये हो रहा है, कहाँ से हम लोग को अच्छा लगेगा? हम लोग पूजा भी बैठाते हैं, मांग करेंगे कि जल्द से जल्द इनको पूजा बैठाएंगे, जल्द से जल्द इनको सुधार किया जाए। हम लोग 4 महीने के आसपास ये होने वाला है अब, और 4 महीने से हम लोग ये झेल रहे हैं, तो कहाँ से ना हम लोग सही से आ पा रहे हैं। आते हैं तो फिर जाने के लिए सोचना पड़ता है, और जाते हैं तो कोई सामान लेने के लिए आने के लिए सोचना पड़ता है। देखिए थोड़ा देखिए, चलिए हम आपको एक नजारा और दिखा रहे हैं। देखिए वो साइकिल से लेकर के वो कैसे इस पानी को पार करके और आ रहे हैं, आप देख सकते हैं कि यहाँ की स्थिति कैसी है। चलिए हम कुछ और लोगों से बात करते हैं। आपका सर नाम क्या हुआ? मेरा नाम अमन कुमार हुआ। ये जो पानी का समस्या यहाँ लगभग की 4 महीने से है, ये हम लोग मतलब बहुत बार मतलब की कम्प्लेन भी किया गया, लेकिन यहाँ पे कोई सुनवाई नहीं है। क्यों सुनवाई नहीं है? क्योंकि इसके पीछे कोई लोग है ही नहीं। जितने लोग होते हैं आते हैं, वोट मांगते हैं कि हमको दीजिए वोट, आपके लिए ये काम वो काम, वो तो हम जानते हैं कि कुछ काम नहीं होने वाला, ये जैसा लगा हुआ है वो ऐसा ही है। उसके बाद हमारे जो बिहार के जितने इंजीनियर लोग हैं, जो काबिल इंजीनियर है, वो इस तरह के रोड बनाते हैं कि रोड नीचा रहता, नाली ऊपर रहते हैं। तो पहली बात कि हमारे पूरे बिहार में इंजीनियर लोग की कमी नहीं है, जो हम लोग पढ़ लिख के इधर दौड़ रहे हैं कुछ नहीं, लेकिन इंजीनियर लोग को देखिए, रोड कहाँ है या नाली कहाँ है? तो सबसे बड़ा बात इंजीनियर लोग, उसके बाद जितना भी नेता हैं, वो लोग तो चोर हैं ही शुरू से ही। वो लोग खाली वोट के नाम पे हम लोग को ठगते हैं, लेकिन कोई काम होता नहीं है। ये पिछले 4 महीने से ऐसा है। यहाँ पे कितने सारे लोग गिर चुके हैं पानी में, गाड़ी से गिर चुके हैं, कितने लोग
गिर चुके हैं, मतलब कितने को माथा फूटा है, बहुत सारे लोग हैं हम लोग जो बहुत प्रॉब्लम हुआ है इसमें, हम लोग स्टूडेंट लेकिन कोई सुनवाई नहीं है। लेकिन हम लोग अमन कुमार हुआ मेरा नाम, हाँ हम लोग यहीं का निवासी हैं। अगर स्मार्ट सिटी ऐसा होता है कि पानी नाले में जाने के बजाय सड़क पे आ जाए तो सर हमें ऐसी स्मार्ट सिटी नहीं चाहिए, नहीं चाहिए आपका ऐसा स्मार्ट सिटी जो लोगों को आने जाने के लिए इस बैतरनू को पार करना पड़ता होगा। आप देख सकते हैं यहाँ का नज़ारा क्या है, यहाँ पे वो लोग जो रहते हैं उन लोग का कहना है कि ये लोग उसी पानी को पार करके आते जाते हैं। सरकार ने आश्वासन दे रखा है कि हाँ हम इस चीज़ का, इस नाले का, इस सड़क के बगल में हम निर्माण करवाएंगे, लेकिन बस एक चीज़ केवल आश्वासन पर ही टिका हुआ है। पिछले सप्ताह आपको फुलवारी चौक से एम्स जाने वाली सड़क का जो बेमौसम जल जमाव की स्थिति है उसको हमने आपको दिखाया था, और आज हम स्मार्ट सिटी कहे जाने वाले पटना के शास्त्री नगर में खड़े हैं और यहाँ से हमने कुछ लोगों से बातचीत की। उम्मीद करते हैं कि आप लोग इस विषय पर कुछ कमेंट और अपना सुझाव ज़रूर दीजिएगा कि क्या ये स्मार्ट सिटी, अगर ऐसा होता है तो क्या आपको ऐसा स्मार्ट सिटी चाहिए। दुष्यंत कुमार ने क्या खूब कहा है कि कहाँ तो तय था चिरागा हरेक घर के लिए, कहाँ तो तय था चिरागा हरेक घर के लिए, मयसर नहीं चिराग शहर के लिए। ऐसे ही खबरों के साथ आप हमारे साथ जुड़े रहें और अगली हम फिर किसी न किसी मुद्दे पर आपके साथ आएंगे। कैमरा पर्सन मनोज कुमार के साथ मैं सुमंत, विमर्श न्यूज़ पटना।